एक नंबर बात, सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी बीमारी में है, चूंकि नगर निगम से और अन्य कई लोग पर्सनल लेवल पर भी कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया कि जब अंतिम समय में दिक्कत होता है कि अंतिम समय कोई रहता नहीं, शुरू में फोटो खिंचाने के लिए सब कर रहा हूँ, तो हमने निर्णय लिया कि 49 वार्ड और 4 पंचायत जो हमारा विधानसभा क्षेत्र का है, सब जगह एक एक मशीन हम भेज रहे हैं सैनिटाइज करने के लिए। 20-20 लीटर 25-25 लीटर दवाई भेज रहे हैं और इसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और एक बड़ी गाड़ी जिसमें दोनों तरफ से छिड़काव की व्यवस्था है उसको इस क्षेत्र में भेज रहे हैं, और जो और डिमांड आएगा और जो परिस्थिति पैदा होगी उसके हिसाब से इसका सेवा का काम हम करते रहेंगे। और हम सब लोगों से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगावें, और जो भी दिक्कत परेशानी हो उसको तुरंत डॉक्टर से राय लेकर के जहां भर्ती होना हो, हम घर में डॉक्टरों के कहने पर हैं। हम जानते हैं कि इस समय जनता के बीच रहने का समय है, लेकिन जब चुनाव के समय हम बीमार हो गए थे तो अपना चुनाव प्रचार भी हम नहीं किए थे, और इसी से अंदाज करिए कि जब चुनाव प्रचार हम नहीं कर पाए तो डॉक्टर की सलाह मानना ज़रूरी है। लेकिन हम घर में बैठे बैठे 24 घंटा लोगों से कॉन्टैक्ट में हैं, कहाँ किसी को बेड नहीं मिल रहा है, कहाँ किस तरह का कष्ट है, ऑक्सीजन की कमी है, इन सब चीज़ों पर ध्यान है। और प्रतिदिन कोई चिट्ठी हम लिख करके जिलाधिकारी महोदय से, चाहे सिविल सर्जन महोदय से, चाहे अन्य डॉक्टर लोगों से डेली बातचीत हमारी हो रही है, सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज और जो प्राइवेट व्यवस्था हो गया सब हमारे कॉन्टैक्ट में है, और कोशिश करते हैं कि उनकी सेवा की जाए। अच्छा विधायक जी, पूरा जिला अब धीरे 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 तेज़ होगी और समय भी मिल गया है और आज घटना भी शुरू हुआ है, तो हम लोग तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि घट जाए कोरोना की बीमारी से, लोगों को मुक्ति मिल जाए, इस तरह का भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हम लोग कोशिश भी करेंगे जितना संभव हो अधिक से अधिक कम कैजुअलिटी हो, कम लोग इसके झांसे में पड़े जी। मधेपुरा के